सो दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर है, आपको भी वीडियो एडिटिंग नहीं करना आता, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो सर्च करने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना, यूट्यूब वीडियो के लिए एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तभी लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो दोस्तों आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है। बट दोस्तों, जिसको वीडियो एडिटिंग सीखना है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे होता है, कैसे उसमें जो होता है साउंड इफेक्ट, कैसे ब्लर इफेक्ट, कैसे मतलब सारा प्रकार का डिटेल आज हम बताने वाले हैं, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, अपने मोबाइल का स्क्रीन में लेके जाते हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग पूरा सिखाने वाले हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है वो काइन मास्टर। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप काइन मास्टर से ही वीडियो एडिटिंग करें, जो कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग मोबाइल से करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, काइन मास्टर का मोबाइल कस्टम में लेके जाता हूँ और दोस्तों, काइन मास्टर का पूरा फुल डिटेल वीडियो एडिटिंग मैं कैसे करता हूँ, कैसे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूँ, मतलब पूरा डिटेल बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक देखते रहना है, बस कहीं स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर दिए एक भी स्टेप तो मिस कर दीजिएगा दोस्तों, आप सीख नहीं पाइएगा। बस वैसे जैसे तैसे अपलोड कर दीजिएगा, बस व्यू नहीं आइएगा, उसके बाद रोते रहिएगा, बस चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके 2022 में अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाइएगा। तो 2015-16 था जबकि जैसे तैसे वीडियो बना के ग्रो हो जाता था, बट दोस्तों अभी 2022 चल रहा है, 2022 में आपको यूनिक करना होगा कुछ, मतलब सबसे हट के करना होगा। तो बस आप लग जाइए वीडियो एडिटिंग में और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले क्रिएट न्यू वाला पे ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद दोस्तों, 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करके जो भी वीडियो को आपने शूट किया उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके जो ओपन कैमरा से मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये मेरा वीडियो है, इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, भी देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो को कलर ग्रेडिंग करते हैं। कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसको कलर फिल्टर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कलर फिल्टर। इसमें जाने के बाद दोस्तों, नीचे करना है, जो कि दोस्तों ये कस्टम ही मतलब पहले से दिया होता है ये जो फिल्टर यूज करने के लिए। तो सबसे पहले कॉल्ड वाला पे जाना है। कॉल्ड वाला पे जाने के बाद दोस्तों, 1 या फिर 2 वाला को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम 2 वाला को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका जो ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, अपने हिसाब से 60-70 करीब रख लेते हैं। तो इसको हम करीब 60 के करीब रखते हैं। उसके बाद यहाँ से डन करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि अभी कितना अच्छा हो चुका है कलर ग्रेडिंग। दोस्तों, अभी बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं आपको करके, बिफोर एंड आफ्टर कैसा है। तो चलिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ अभी हम इसको, पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया कलर ग्रेडिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पहले इस टाइप का था और अब इस टाइप का हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कलर का ही एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, उसके नीचे ही एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस यहाँ से कम बेस कर सकते हैं। उसके बाद तो मेरा ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, तो हम ब्राइटनेस बढ़ाने वाला नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो 1-2 के करीब कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर रहे थे। उसके बाद सेचुरेशन अपने हिसाब से रख लेना है। तो सेचुरेशन में हम कुछ करने वाले नहीं थे। उसके बाद वेरियंस में देख सकते हैं दोस्तों, वेरियंस अपने हिसाब से फिर यहाँ पे अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर लेना है दोस्तों, कि ताकि वीडियो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देते हैं, -6 के करीब। उसके बाद हाईलाइट को भी अपने हिसाब से रख लेना है। तो हाईलाइट को हम कुछ नहीं करते, बट शेडो में हम थोड़ा -2 के करीब रखते हैं। उसके बाद वो 4 हो गया। तो दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि कलर ग्रेडिंग जो है अपने हिसाब से कर लेना है, ताकि वीडियो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद हुई में देख सकते हैं कितना अच्छा कलर ही हो रहा है दोस्तों। तो अपने हिसाब से हुई को भी रख लेना है। तो करीब इसको हम 10 के करीब रख लेते हैं, 10 के करीब रखते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे टिक कर देना। टिक कर देने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं ये बिफोर ए आफ्टर, तो कितना फ़र्क हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें सबसे पहले उसके बाद इसको दोस्तों, इसमें जो है एक हम PNG यूज करते हैं, जो कि साइड में लगा हुआ रहता है, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी PNG को यूज करना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर सेंड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो बाकी तो हम यूज करते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगता है उसको हम यूज करते हैं। बट आप भी अगर यूज करना चाहते हैं इस PNG को, तो हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा हमको, हम आपको जो है भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा पूरा वीडियो में कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से खींच के पूरा वीडियो में कर लेना है। तो हम डेमो के लिए बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका ओपेसिटी कुछ कम कर देना है, ठीक है, 80-70 के करीब रख लेना है, ताकि लगे कि हाँ दीवार पर है। तो इसको करीब हम 80 के करीब रखते हैं, ठीक है। उसके बाद डन कर देते हैं।
तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इतना हो जाने के बाद दोस्तों, इतना हो जाने के बाद साउंड इफेक्ट लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं SFX में दोस्तों, अगर SFX में आप डाउनलोड करके रखेंगे तो भी रहेगा, नहीं तो हम डाउनलोड करके रखे हुए बहुत सारे साउंड इफेक्ट जो कि देख सकते हैं लाफ है, उसके बाद बहुत सारे साउंड इफेक्ट हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाना है स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद डाटा ऑन रहेगा तभी होगा, बट हम अभी डाटा ऑफ करके काम कर रहे हैं ताकि, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत लैग करता है इसलिए डाटा ऑफ करके काम करते हैं। डाटा ऑन करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद से बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद दोस्तों उसके बाद इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद दोस्तों हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं यूट्यूब लाइब्रेरी से, उसको यहाँ से यूज करने वाले हैं हम। तो चलिए इसको हम यूज करने वाले हैं। यूज करने के बाद दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम है उसको करीब 20 के करीब रखना, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत तेज बजेगा, ठीक है, 20 के करीब रखना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जूम इन जूम आउट वीडियो में करना है। जूम इन जूम आउट करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों, पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो कैची का ऑप्शन आता है उसमें सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिम करना, ठीक है, ये जो है सिलेक्ट एट प्ले प्ले डू। उसके बाद फिर से इसको यहाँ पे इतना कर देना है, फिर से इसको यहाँ पे काट देना है, ठीक है। काट देने के बाद इसको जो बीच वाला भाग है इसको जूम कर देना है, ठीक है। जूम करने के लिए यहाँ पे ऐसे करके कुछ इतना करना है, इसको बराबर कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं चला के दिखा दे वीडियो, तो बस कुछ इस प्रकार से जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप अब दोस्तों इसकी जो वॉइस की एडिटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक वॉल्यूम जैसा ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑटो वॉल्यूम पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है करीब 150 के करीब कर देना है दोस्तों, तब वॉइस पूरा अच्छा से एडिट हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव वीडियो को देखने का भी मिल रहा है, मेरे वीडियो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें ब्लर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो देख सकते हैं इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, जो कि बेसिक इफेक्ट दिया हुआ था इसको ब्लर इफेक्ट में, ब्लर इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है, जहाँ जहाँ पे ब्लर इफेक्ट लगाना है ऐसे करके लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन कर देने के बाद सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टिक कर देना है, ठीक है। टिक कर देने के बाद दोस्तों इसमें अगर आप कोई भी और इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे कि एक इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से होगा, फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद इसको ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, सेटिंग में जाके इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं, कुछ 1-2 के करीब रखते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों काइन मास्टर का। तो आई होप कि वीडियो कुछ जानकारी मिली होगी दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन की जानकारी मिली होगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बस इतने ही में आपको भी एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद एक्सपोर्टिंग हो जाएगा, उसके बाद सेव हो जाएगा दोस्तों अपने गैलरी में। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।